हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आपको पता है, हम आपका बैक टू बैक कई सारे क्लासेज ऑलरेडी हो चुके हैं हमारे एम एस ए रिलेटेड सोशियोलॉजी पर। एंड फर्स्ट ईयर का हमने फर्स्ट पेपर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, पांचों पेपर्स के लगभग कुछ कुछ चैप्टर्स कंप्लीट करवा दिए हैं। एंड फर्स्ट पेपर पर ऑलरेडी हमने चार चैप्टर्स कंप्लीट करवा दिए हैं आपके। तो आज हम फर्स्ट पेपर का एम ए सोशियोलॉजी के पेपर वन का चैप्टर नंबर फाइव कवर करने वाले हैं, जिसमें आप पढ़ने वाले हैं दुर्गहीन के बारे में। तो अगर आपने हमारी इससे पहले की वीडियोज नहीं देखी है तो एक बार चैनल पर विजिट करके जरूर देख लीजिए, जिससे कि आपको काफी चीजें समझ में आएंगी कि सीरीज में आपको क्या पढ़ना है। ऑलरेडी हमने सिलेबस भी पांचों पेपर्स के दे रखे हैं कि कौन से पेपर में आपको क्या पढ़ना है, क्या चीजें होने वाली है। तो जाकर के आप कुछ चीजें देख लीजिए जिससे समझ में आ सके। एंड अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं आगे की चीजें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो या आपको समझ में आ रहा हो या आपको लगता हो इट इज हेल्पफुल फॉर यू तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ओके, तो देखो पांचवा चैप्टर जो हमारे एम ए फर्स्ट ईयर की सोशियोलॉजी का पेपर वन का चैप्टर नंबर फाइव है, दुर्गहीन का सामाजिक तथ्य का सिद्धांत। दुर्गहीन का जो समाजशास्त्र है या समाजशास्त्र को देखने का नजरिया है या समाजशास्त्र के बारे में दुर्गहीन ने जो अपना योगदान दिया है उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में आता है सामाजिक तथ्य। बेसिकली दुर्गहीन ने और भी कई सारे सिद्धांत दिए, जैसे दुर्गहीन का धर्म को लेकर के सिद्धांत हो गया, दुर्गहीन की आत्महत्या का सिद्धांत हो गया, कई सारे सिद्धांत दिए हैं दुर्गहीन ने। लेकिन दुर्गहीन का जो ये सामाजिक तथ्य का सिद्धांत है काफी महत्वपूर्ण सिद्धांत है। बेसिकली उन्होंने समाजशास्त्र को सामाजिक तथ्य के आधार पर ही देखना स्टार्ट किया और इससे रिलेटेड इन्होंने कई सारी बुक्स भी लिखी हुई हैं। तो सामाजिक तथ्य आखिर है क्या? सामाजिक तथ्य को अगर हम समझना चाहें तो व्हाट इज द सोशल फैक्टर, तो सामाजिक तथ्य क्या है? तो सामाजिक तथ्य व्यवहार करने का वो ढंग है, यानी कि सामाजिक तथ्य जो है वो एक बिहेवियर का हमारा ढंग है कि किस तरह से हम बिहेव करते हैं, जो कि बाहर से व्यक्ति के ऊपर नियंत्रण लगाता है। यानी कि जो कि हमारे अंदर की चीज नहीं है कि हम उसको बिहेवियर में अपने ला रहे हैं, वो बाहर से एक ऐसी चीज है जो हमारे ऊपर नियंत्रण लाता है। इसकी विशेषता बाह्यता से बाध्यता है। यानी कि बाह्यता से बाध्यता मतलब क्या समझ रहे हैं? बाहर से आपके ऊपर बाध्यता ला रहा हो, आपके ऊपर वो चीज बाउंडेशन ला रहा हो कि आप ऐसा करोगे या नहीं करोगे। मतलब वो आपके अंदर से नहीं, आप अंदर से चाहोगे भी कि यार ये मैं नहीं करूंगा या मुझे ये चीज मेरे लिए अच्छी नहीं है, जब मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं है या हो सकता है वो चीज मैं नहीं चाहता हूं, फिर भी आप करोगे। यानी कि बाह्यता से बाध्यता की ओर इस तरह से ये चीज प्रेजेंट किया जा रहा है। एंड इस चीज को दुर्गहीन ने कई सारे वाक्यों में इन्होंने अपनी एक बुक लिखा था जिस बुक का नाम है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स। द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड जो कि 1995 ने जो है पब्लिश किया गया, इसमें उन्होंने सामाजिक तथ्य को लेकर के अपनी बातें रखी हुई हैं, जिसको अगर आप पढ़ने बैठ जाओगे ना सामाजिक जो इनका ये बुक है, तो उसमें कुछ चीजें इस तरह से है जिसको आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि इन्होंने जो सामाजिक तथ्य है इसको एक वस्तु की तरह प्रेजेंट किया है। क्योंकि आप देखोगे जो व्यक्ति का बिहेवियर है वो कोई वस्तु तो नहीं है, लेकिन इन्होंने जो इस सामाजिक तथ्य वर्ड है इसको इन्होंने एक वस्तु की तरह लिया हुआ है, और जो कि इन्होंने अपनी बुक में चार तरह से इसका यूज किया हुआ है, जिसको लेकर के कई सारे कंफ्यूजन रहते हैं जो कि हम समझने वाले हैं आगे कि वो क्या कंफ्यूजन रहते हैं और वो सभी एक तरफ किस तरह से इशारा कर रहे हैं। तो देखो सामाजिक तथ्य को लेकर के दुर्गहीन ने इसको वस्तु माना है और इसको चार अर्थों में प्रयोग किया है। इसका वो चार अर्थ क्या क्या है उसमें सबसे पहला जो उन्होंने प्रयोग किया है, तो सबसे पहले अर्थ के रूप में है कि सामाजिक तथ्य एक ऐसी वस्तु है। सामाजिक तथ्य को इन्होंने क्या माना है? एक वस्तु माना है। क्यों माना है आगे हम डिस्कस करेंगे। सामाजिक तथ्य को एक वस्तु है जिसमें कुछ विशेष गुण होते हैं जिन्हें बाहरी तौर पर देखा जा सकता है। इन्होंने कहा कि सामाजिक तथ्य जो है वो क्या है? एक वस्तु है जिसमें कुछ गुण पाए जाते हैं। बेसिकली इसमें कुछ गुण होगा जिसे हम बाहरी तौर पर देख सकते हैं कि ये गुण इस तरह से हम बाहर से उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, बाहर से उसको देख सकते हैं। ये इन्होंने पहली तरह से इसको बताया है पहले अर्थ में। दूसरे अर्थ में इन्होंने सामाजिक तथ्य को क्या कहा है कि सामाजिक तथ्य एक ऐसी वस्तु है जिसे केवल अनुभव के आधार पर ही जाना जा सकता है। यानी कि आपने उसको एक्सपीरियंस किया, आपने देखा है, एंड आप उस पर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो चीजें आप समझ पाओगे, अदरवाइज वो चीज आपके समझ में नहीं आने वाली है। तो आपको क्या करना है? केवल अनुभव के आधार पर ही इसको जाना जाता है। जब आप अनुभव करोगे या चीज जो चीज मैं आप आगे बात करने वाला हूं सामाजिक तथ्य को, जब मैं आपके एग्जांपल सुनूंगा तो उससे आप रिलेट कर पाओगे अपने आप को। तो क्या इसको कैसे आप रिलेट कर पाओगे? अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूं और एग्जांपल आपके लाइफ में कभी हुआ ही नहीं है तो आप कैसे उसको रिलेट कर पाओगे? ऐसी ही चीज का एग्जांपल दिया जा सकता है ना जिससे कि आप उससे समझ सको। तो जो है ये एक्सपीरियंस के आधार पर ही इसको जाना जा सकता है। तीसरे अर्थों में इन्होंने इसका प्रयोग करते हुए लिखा है कि सामाजिक तथ्य एक ऐसी वस्तु है जिसे केवल बाहरी तौर पर ही देखा जा सकता है। यानी कि सामाजिक तथ्य क्या है? जिसे आप बाहरी तौर पर ही देख सकते हो। आंतरिक तौर पर वो चीजें हो सकता है हो भी ना, लेकिन हमें बाहरी तौर पर वो चीजें दिखाई देती हैं। तीसरे अर्थ में इन्होंने ये लिखा।
चौथे अर्थ में इन्होंने लिखा कि सामाजिक तथ्य एक ऐसी वस्तु है जिसका अस्तित्व मनुष्य पर बिल्कुल निर्भर नहीं होता, यानी कि वो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति पर निर्भर नहीं होता कि सामाजिक तथ्य ऐसा ही होगा या वो जो जिस वस्तु की बात कर रहे हैं दुर्गेम ये ऐसा ही होगा। तो इस तरह से इन्होंने चार अर्थों में बात किया हुआ है कि सामाजिक तथ्य ये चीज है। देखो इनका जो कहने का अर्थ है सामाजिक तथ्य बाह्यता से बाध्यता ला रहा है। बाह्यता से बाध्यता मतलब बाहर से हमारे ऊपर बाउंडेशन आ रहा है, जैसे कि आप मान लो कोई फैशन चल रहा है, कोई ट्रेंड चल रहा है, एंड उसमें क्या होता है एक व्यक्ति से वो चीज नहीं चल रहा होता बल्कि समाज में वो चीज चल रहा होता है जिसके अनुसार व्यक्ति जो है एक्ट कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई सा भी ट्रेंड चल रहा हो एंड मे बी वो चीज शायद आपको उतना कंफर्टेबल ना लग रहा हो, वो चीज उतना अच्छा ना लग रहा हो, फिर भी आप वो काम कर रहे होते हैं बिकॉज ऑफ व्हाट, कि वही चीज ट्रेंड है ना, वही चीज चले आ रहा है, तो हमें भी वही करना चाहिए। यानी कि समाज हम पर एक इम्पैक्ट डाल रहा है, जैसे आप जिस भी सोसाइटी में रह रहे हो उस सोसाइटी के लोगों का जिस तरह का बिहेवियर है, आप हो सकता है कि आप उस सोसाइटी में पहली बार गए हो और आप अगर वहां पर रहने लग रहे हो तो आपको उसी सोसाइटी के आधार पर ही एक्ट करने पड़ेंगे। आपकी कई सारी ऐसी चीजें होंगी जिनमें आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि समाज किस तरह से रह रहा है, जिसको आप हो सकता है अंदर से ना भी चाह रहे हो फिर भी आपको ये चीजें करनी पड़ जाती हैं बिकॉज ऑफ दैट सामाजिक तथ्य। इसी को दुर्खीम कहते हैं कि ये बाह्यता से बाध्यता है। कई बार ये हमारे ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होता है, जबरदस्ती नहीं होता है, फिर भी हम वो चीज करने लगते हैं। जैसे बाह्यता से बाध्यता के रूप में अगर आप समझना चाहोगे तो इसमें आपके राज्य भी आ सकते हैं, आपके कानून भी आ सकते हैं, जिस भी सिटी में आप रह रहे हो, जिस भी राज्य जिस भी देश में रह रहे हो उसके कुछ संविधान है, उसके कुछ रूल्स हैं, उसके कुछ कानून है, वो तो आपके ऊपर बाहर से चीजें हैं ही, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक ट्रेंड चल रहा होता है, एक फैशन चल रहा होता है कि इस तरह से मुझे कपड़े पहनने हैं, इस तरह का मुझे जीन्स पहनना है। हो सकता है फटी हुई जीन्स अच्छी ना लग रही हो, फिर भी आप अगर एक वे में हो, जैसे आप रील्स बना रहे हो या आप कुछ ऐसी चीजें कर रहे हो जहां पर क्रिएटिविटी आपको दिखानी है, तो मे बी आपको वो चीजें पसंद ना हो, फिर भी आपको वो करना पड़ता है बिकॉज ऑफ दैट कि ट्रेंड है, ऐसा ही चल रहा है, ऐसा ही लोग कर रहे हैं। मे बी आप उस चीज को लाइक ना करते हो या आप उसको पहन करके आपको अच्छा ना लग रहा हो या आप कंफर्टेबल फील ना कर रहे हो। इस पर मैंने एक वीडियोस ऑलरेडी रखी हुई है मेरे अब दूसरा चैनल जो है अरशद खान ऑफिशियल, जो मेरा ऑफिशियल चैनल है, आप उसमें विजिट करके देख सकते हो। इस पर एक वीडियो मैंने इस पर बनाई हुई है कि मतलब हम चीज़ें समझ रहे हैं, ये चीज़ ये कपड़ा मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं है फिर भी मैं पहन रहा हूँ, क्यों? बिकॉज ऑफ दैट। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी होती है एट तब जब आप इंटेलेक्चुअल लेवल पर उसको सोच सकते हो, आप कुछ दिमाग लगा सकते हो, अदरवाइज 99% लोग उसी ट्रेंड में उसी तरह से चले जा रहे होते हैं। तो दुर्खीम का जो ये नियम है, ये जो सिद्धांत दुर्खीम ने दिया हुआ है कि समाज इसी तरह से चलता है, जो चीज़ें जो ट्रेंड चल रही होती हैं व्यक्ति उसी के आधार पर चल रहा होता है। ओके, तो इनका जो ये सिद्धांत है इसको इन्होंने क्या कहा है कि जो सामाजिक तथ्य है इसको एक वस्तु माना है। जैसा कि मैंने कहा था इसको वस्तु क्यों माना है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो देखो सामाजिक तथ्य को दुर्खीम ने वस्तु इसलिए माना है ताकि इसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सके। देखो अगर किसी व्यक्ति के बिहेवियर को आपको समझना है या मनुष्य किस किस तरह से सोचते हैं तो फिर उस चीज को समझना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और हम उस तरह से नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अगर हम समझ रहे हैं कोई वस्तु है, अब ये एक वस्तु है, अगर इसके बारे में समझना है तो इसको बहुत इजी तरीके से समझा जा सकता है क्योंकि हमने इसको एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अब ये फॉर्म नहीं चेंज कर रहा होगा, ये आप समझोगे कि यह क्या है, ऊपर से क्या दिख रहा है, इस पर पॉलिश क्या हुआ है, इस पर प्लास्टिक लगा हुआ है, इसमें कौन कौन से मेटल्स यूज किए गए हैं, इसमें इंक है, इंक किस चीज का है, कैसे बना है, मतलब आप इस चीज को समझना चाहो तो अच्छे तरीके से समझ सकते हो। तो इसी तरह से दुर्खीम कहते हैं कि अगर हम इसको सामाजिक तत्व को एक वस्तु की तरह लेंगे ना तो हम इसका वैज्ञानिक अध्ययन कर सकते हैं, और जिस तरह से प्राकृतिक वैज्ञानिक का अध्ययन किया जाता है उसी तरह से हम इस सामाजिक विज्ञान का भी अध्ययन कर पाएंगे, जिससे वे चीजें काफी रूप में क्लियर हो सकेंगी। और इसी पर अपना विचार रखते हुए उन्होंने अपनी बुक में कई जगहों पर कुछ अलग अलग चीजें रखी हुई है जिसके बारे में आओ हम डिस्कस करते हैं। उन्होंने कहा हुआ है कि एक सामाजिक तत्व कार्य करने का वह प्रथम तरीका है, चाहे निश्चित हो या अनिश्चित हो, जो कि व्यक्ति पर बाहरी दबाव डालने की क्षमता रखता है। यानी कि व्यक्ति पर एक ऐसे काम है जिसको आप चाहते या ना चाहते हुए भी, निश्चितता या अनिश्चितता के रूप में भी, यह हमारे ऊपर एक बाहरी प्रेशर क्रिएट करता है। मे बी हम इस चीज को ना माने, मान लिया कोई चीज है, कोई ट्रेंड चल रहा है एंड हम नहीं फॉलो कर रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो दैट ट्रेंड। बट अगर आप किसी रैली में जा रहे हो, किसी विवाह सेरेमनी हो, है कहीं कोई भी सेरेमनी है, कहीं पर जा रहे हो और एक तरह से लोग ट्रेंड में आए हुए, आप अलग पहन करके चले जाओगे पूरी तरह से, मतलब जो उससे मिलता जुलता ही नहीं है, तो आप खुद ही फील करोगे, लो फील करोगे, अपने आप को लोगों से अलग फील करोगे, अपने आप को आप सहज नहीं महसूस करवा पाओगे। तो ये चीज भी है, मतलब कि ये बाहरी रूप से भी हम पर दबाव डालता है, हम चाहें या ना चाहें, लेकिन ये बाहरी रूप से हम पर दबाव डालता है। एंड इसी में आगे उन्होंने एड ऑन करते हुए लिखा हुआ है अपनी बुक में,
कार्य करने, सोचने, अनुभव करने के तरीके सामाजिक तथ्य से सम्मिलित होते हैं जो कि व्यक्ति के बाहरी होते हैं, यानी कि व्यक्ति से रिलेट नहीं करते हैं, तथा जो दबाव शक्ति के माध्यम से व्यक्ति को नियंत्रित करते हैं। यानी कि इस तरह से हम समझ सकते हैं कि क्या कहना चाह रहा है कि मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपका काम करने का तरीका, आपका सोचने का तरीका, मतलब हर एक चीज़ पर वो चीज़ हावी होती है, हर एक चीज़ पर उस चीज़ का कमांड होता है, वो चीज़ कहीं ना कहीं आप पर इम्पैक्ट कर रही होती है। तो इस तरह से इन परिभाषाओं के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि क्या है आपका सामाजिक तत्व जो कि आप पर बाहर से एक प्रेशर क्रिएट करता है। मे बी वो डायरेक्टली ना हो, वो इनडायरेक्टली हो सकता है, लेकिन वो चीज आप पर प्रेशर क्रिएट करता है। तो इस तरह से हम इस चीज को समझ सकते हैं। एंड इसको अच्छे तरीके से समझाने के लिए इसको दो भागों में इन्होंने, दुर्खीम ने इस शब्द को, यानी कि इस तथ्य को या इस अवधारणा को, इस वस्तु को समझाने के लिए दो शब्दों का प्रयोग मुख्य रूप से किया है। वो कौन कौन से शब्द हैं ये आप देख सकते हो। ये शब्द जो हमने यूज किया है, बाह्यता से बाध्यता, इन दो शब्दों का बहुत महत्व है जो सामाजिक तथ्य है इसको समझने के लिए। सामाजिक तथ्य को समझने के लिए सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट है ये क्या है, बाह्यता। यानी कि ये कोई एक व्यक्ति की अपने अंदर की इंटेंशन नहीं कि मुझे इस तरह से करना है, ये बाह्यता है। लोग किस तरह से कर रहे हैं, समाज किस तरह से कर रहा है, समाज हमें किस तरह से करने को प्रेरित कर रहा है कि हमें इस तरह से करना चाहिए या हमें नहीं करना चाहिए, ये चीज़ पहनना चाहिए, इस तरह से कपड़े पहनने चाहिए, इस तरह से कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ये हमारा इस समय का ट्रेंड है, ये पुराना हो चुका है, या इस तरह से लोग आपको समझेंगे यू आर ओल्ड फैशन, या आप ओल्ड के हो, आप इस तरह के फैशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे, मतलब इस तरह से अलग अलग चीज़ें हैं जो चीज़ें समझी जाएंगी। तो मतलब ये बेसिकली क्या है, बाह्यता से आपके ऊपर फोकस डाला जा रहा है। यानी कि बाह्यता से व्यक्ति किस तरह से जो है फूड क्रिएट करने वाला है, किस तरह से भोजन करेगा, किस तरह से जैसे अलग अलग तरीके से ट्रेंड मिले, हम हाथों से ही खाए आप तो चम्मच लगा करके खाना है, या अलग जगह पर आप गए तो उसको किस तरह से काटेदार चम्मचों से खाना है, काट के खाना है, मतलब अलग अलग तरीके से आप जाओगे, जिस लेवल पर आप बढ़ते जाओगे, आप जाओगे 5 स्टार में, अगर आप चले गए हो तो आपको उस तरह से करना पड़ेगा क्योंकि मैक्सिमम लोग उस तरह से कर रहे होंगे। आप नहीं भी चाहोगे चम्मच से काट करके खाना या काटेदार चम्मचों का यूज करके खाना, आप चाहोगे कि आप हाथ से उठा करके खाओ, बट आप खा नहीं पा रहे होंगे बिकॉज ऑफ दैट, जिन्हें कोई आके आपको रोक देगा नहीं, लेकिन एक समाज का एक मॉड्यूल बन चुका है, एक तरीका है जो चारों तरफ आप अपने देख रहे हो कि सभी लोग इस तरह से कर रहे हैं, एंड अगर मैं यहाँ पर हाथ से उठा करके खाने लगा तो ये चीज़ मुझे अनकंफर्टेबल फील कराएगी कि यार ये देखो कहाँ से आ गया, ये गवार कहाँ से आ गया, मतलब वो कोई आपको, आपके ऊपर प्रेशर नहीं डाल रहा लेकिन बाहरी चीज़ों की वजह से, बाहरी समाज की वजह से वो चीज़ आप पर प्रेशर डाल रही है। तो इसी को कहते हैं जो तुर्की में ये कहते हैं ये बाह्यता है, आपके अंदर की चीज़ नहीं है, अंदर से हो सकता है कुछ और करने की आपकी इच्छा हो रही हो, कुछ और तरीके से उसको प्रेजेंट करने की इच्छा हो रही हो, लेकिन बाहर इस तरह का माहौल है कि आपको उसी के आधार पर चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहली चीज़ है क्या, बाह्यता। एंड इसमें दूसरी चीज़ है क्या, बाध्यता। ऐसा नहीं कि बस बाहर आप देख रहे हो और ठीक है देख लिया हो गया, आप पर बाध्यता डालता है, यानी कि अपने आप में जिस तरह से कानून काम कर रहा होता है, एक लॉ वर्क कर रहा होता है, एंड इवन लाखों लोग ब्रेक भी कर देते हैं, बस इस चीज़ को ब्रेक करने के लिए काफ़ी करेज चाहिए होता है कि मुझे मेरे तरीके से काम करना है, उसके लिए करेज चाहिए होता है। बाह्यता हो सकता है अगर कोई कानून है, आप हेलमेट नहीं पहने या आप ट्रैफिक रूल्स का फॉलो नहीं कर रहे हैं, दैट मे बी ये आप करते हो ज़्यादातर, लेकिन अगर आप एक समाज में बैठे हुए हो एक तरह से, ये वो आप पर क्या करता है, एक फाउंडेशन क्रिएट करता है कि ये चीज़ आपको करना है, ये चीज़ आप नहीं कर सकते हो, या ऐसा आपको करना चाहिए, ऐसा मैक्सिमम समाज के लोग कर रहे होते हैं, अगर आप उससे अलग कर रहे हो, मतलब क्या है, आप पे एक बाउंड्री क्रिएट कर रहा है। इवन वो चीज़ हो सकता है आपको दिख ना रहा हो आदर्श तरीके से, या हो सकता है वो चीज़ आपको डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली आप अलग अलग तरीके से आपके ही माइंड के कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर आप देख रहे हो, जिसको इस तरह से समझ रहे हो, और उसके आधार पर वो बाहर की चीज़ आप पर कंट्रोल कर रही है। तो ये है बाध्यता। तो इस तरह से इन्होंने कहा है कि बाह्यता से बाध्यता का जो सफर है, यानी कि बाहर से जो व्यक्ति के ऊपर कमांड रखा जा रहा है, जो बाध्यता लाई जा रही है, ये कहलाएगा आपका बाध्यता। यानी कि ये सामाजिक तथ्य के रूल्स हो गए, ये सामाजिक तथ्य के रेगुलेशंस हो गए। अब देखो जो सामाजिक तथ्य है, इसकी जो अवधारणा दुर्खीम ने दिया है, इसको वैज्ञानिकता के रूप में इसको अध्ययन करने में काफ़ी हेल्प मिलती है, काफ़ी अच्छा होता है, इसको हम वैज्ञानिक तरीके से अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है कोई रूल्स दिया गया हो एंड उसका कोई लूपहोल ना हो, तो उसका मूल्यांकन किया गया, कई सारे विद्वानों ने उस पर अपनी टिप्पणियाँ रखी है। तो मूल्यांकन में अगर हम बात करें तो कुछ ना कुछ लोग उसमें अपना दोष दिखाते हैं या अलग अलग तरीके से उस पर अपना विचार रखते हैं कि ये चीज़ राइट है, ये चीज़ रॉन्ग है। तो इसका मूल्यांकन करते हुए हैरी एल्मर वॉर्म्स काफ़ी फेमस विद्वान है, इन्होंने लिखा हुआ है कि इन्होंने सामाजिक तथ्य की बाध्यता पर अधिक जोर देने के कारण इसे दोषी माना है।
ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने सामाजिक तथ्यों की बाध्यता पर अधिक जोर देने के कारण इसे दोषी माना। इन्होंने कहा है कि जो दुर्खीम ने सामाजिक तत्व की अवधारणा है इसमें जो बाध्यता है इस पर बहुत ज्यादा जोर दे दिया है कि ये चीज जो है बाउंडेशन आप पर क्रिएट कर रही हो या आपको बांध ले रही हो या इससे आप बाहर आप नहीं निकल सकते, इस पर जो उन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया हुआ है इसको ये कहते हैं कि अधिक जोर देने के कारण उसको ज्योति मानते हैं। ठीक है, जो चीज है एक तरह से आपके ऊपर चीजें हावी हो रही हैं या एक तरह से चीजें आपके ऊपर कंट्रोल कर रही हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा हो जाए ये पॉसिबल नहीं है। उनका कहना है कि दुर्खीम द्वारा सामाजिक तथ्यों की बाध्यता के संबंध में दिए गए अनेक उदाहरणों के आधार पर ही यह सिद्ध किया जाता है कि व्यक्ति के जो कुछ कार्य होते हैं बहुत से ऐसे कार्य हैं जिसको वो अपने स्वतंत्र इच्छा से करता है, ना कि किसी प्रकार की बाध्यता या दबाव के कारण। यह क्या कह रहे हैं कि दुर्खीम ने जो बाध्यता शब्द का प्रयोग किया हुआ है ना, ये राइट नहीं है। उन्होंने कहा है कि मतलब जो अधिक जोर दिया बाध्यता, देखो एक तरह से कॉम्प्लेक्स कर रहा होता है एंड ये चीज़ें बहुत डिस्टर्बिंग क्रिएट कर रही होती हैं, पता नहीं क्यों। बट हम बात करते हैं जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे कि मतलब बाध्यता होती है एक तरह से, आप एक समाज में बैठे हुए हो या एक समाज में आप रह रहे हो, एक समाज में लोग अलग तरीके से कपड़े पहन रहे हैं एंड आप नहीं चाहते हो उस तरह से पहनना, तो इट्स फुल ऑफ योर राइट कि आप जो चाहो वो कर सकते हो। एंड अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी इंटेलिजेंस है, अपने आप को थोड़ा से भी आपके अंदर अवेयरनेस है, तो आप वो चीज़ें कर सकते हो जो आप करना चाहते हो, जिस तरह के कपड़े आप पहनना चाहते हो उस तरह से पहन सकते हो। एंड मे बी जो चीज़ आप कर रहे हो वो फैशन के ट्रेंड में ना हो, वो आप अपनी किसी इच्छा के अनुसार कर रहे हो। अगर आप बोलोगे कि मैंने इस तरह से बाल कटवाए हुए, देखो पूरी तरह से बारीक है, तो इसके पीछे एक ये हो सकता है कि हाँ इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स को देख करके इन्फ्लुएंस हुए हैं, ये भी भारी मात्रा में हो रहा है। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से इस तरह के हेयर कट हो गए या अलग अलग तरीके से कपड़े हो गए, कुछ भी तरीके से कर रहे होते हैं जो शायद उनको भी एक तरह से कंफर्टेबल फील ना करवा रहा हो, लेकिन बिकॉज ऑफ दैट कि लोग ऐसा कर रहे हैं, ट्रेंड ऐसा है, तो हम वो ऐसा किए जा रहे हैं। एंड मे भी जो मेरी अगर पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं कि ये चीज़ थोड़ा सा जल्दी बाल नहीं हो गएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा बाद में जाना पड़ेगा हेयर कट करवाने के लिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और वो टाइम मैं काम में कर पाऊंगा या कुछ और कर पाऊंगा, इसके लिए मुझे ज़्यादा टेंशन ना हो, तो ये मेरा वो है। लेकिन हो सकता है कोई और इसी चीज को कर रहा हो, बट बिकॉज ऑफ वो कर रहा हो उस ट्रेंड की वजह से, वो ना चाहता हो कि ऐसा हो, वो चाहता हो बार बार जाना भी चाहता हो एंड वो बार बार जा भी रहा हो हेयर कट करवाने के लिए, लेकिन वो इस तरह से करवा रहा है बिकॉज ऑफ दैट ट्रेंड। तो ये चीज मैटर करती है एंड जरूरी नहीं है कि मुझे अगर इस तरह से कपड़े पहनने हैं कोई और उस तरह से कपड़े पहन रहा है, तो इस तरह से अलग अलग तरीके से हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो चीज आपके ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो सकती है, यानी कि बहुत ज्यादा कि आपको करना ही पड़ेगा, आपको उसी तरीके से कपड़े पहनने होंगे या उसी तरह से हेयर कट करवाना पड़ेगा, उसी तरह से खाना होगा। आपकी भी अपनी कुछ चीजें होती हैं जिन पर आप स्वतंत्र होते हो, ऐसा इनका मानना है। एंड इसी तरह से इन्होंने इसका विरोध किया है कि बाध्यता है, लोग समाज से प्रभावित होते हैं, लेकिन कुछ अपनी भी इंटेलेक्चुअल चीजें होती हैं, अपनी भी इंटेलिजेंस होती है जहां पर व्यक्ति उस चीज को चेंज कर सकता है। एंड इसी पर अपना विचार रखते हुए दूसरे भी दोनों ने क्या लिखा हुआ है ये देखते हैं। तो इस पर पी ए सोरोकिन कहते हैं कि सामाजिक तथ्य की दो विशेषताएं कौन कौन सी, बाह्यता और बाध्यता, किन्हीं विशिष्ट समस्याओं की अवधारणा के लिए उपयुक्त है, ना कि सभी प्रकार की सामाजिक तथ्य के अध्ययन के रूप में। यानी कि इसका आलोचनात्मक अध्ययन करते हुए, इसकी आलोचना करते हुए पी ए सोरोकिन कहते हैं कि सामाजिक तथ्य की जो दोनों विशेषताएं हैं ना, बाह्यता और बाध्यता, ये किन्हीं विशिष्ट समस्याओं की अवधारणा के लिए उपयुक्त है, यानी कि कोई विशिष्ट समस्या है उसके अवधारणा के लिए ठीक है कि हाँ बाह्य रूप से ये चीजें बाध्यता डालती है, कंट्रोल करती हैं, लेकिन ये सभी प्रकार के सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के रूप में प्रयोग नहीं की जा सकती या सभी जगहों पर ये चीजें उपयुक्त नहीं है, सभी जगहों पर इसको आंख बंद करके अप्लाई नहीं किया जा सकता कि सभी जगह पर ये बाह्यता बाध्यता का जो सिद्धांत है ये काम करेगा। इस तरह से इन्होंने इनकी आलोचना किया। इसी पर अपने विचार रखते हुए रेमंड एरेन कहते हैं कि सामाजिक तथ्य की अवधारणा में जो बाध्यता शब्द है इसका प्रयोग अत्यंत दोषपूर्ण ढंग से किया गया, यानी कि जो ये बाध्यता शब्द है ना इससे सबको प्रॉब्लम है। बाहर चीज़ों से लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, लोगों पर जो है कुछ इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन जो ये बाध्यता वर्ड है इसी से ज़्यादातर विद्वानों ने इनकी आलोचना किया हुआ है। कई बार ये क्वेश्चन पूछता है कि वो कौन सा वर्ड है जिसकी वजह से दुर्खीम की सबसे ज़्यादा आलोचना किया गया, तो वो वर्ड यही था, बाध्यता। ओके, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। कभी कभी तो यह समझने में बहुत कठिनाई होती है कि केवल बाध्यता ही सामाजिक तथ्यों का सार तत्व है या केवल उसकी जो बाह्य विशेषताएं हैं ये सामाजिक तथ्यों या घटनाओं को समझने के लिए सहायता प्रदान करती हैं। कहते हैं कि कभी कभी समझने में दिक्कत हो जाती है कि क्या जो कंट्रोल करना है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या ये समाज के जो सामाजिक तथ्य है ये, या बाह्यता, दोनों में से क्या इंपॉर्टेंट है, बाह्यता या बाध्यता ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह की चीज़ों में ये कह रहे हैं कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है और चीज़ें हमें स्पष्ट समझ में नहीं आ रही होती है।
इसी पर आलोचना करते हुए जी टार्डे कहते हैं कि सामाजिक तथ्य चूंकि सामाजिक है, सामाजिक जो तथ्य है, जो भी चीजें चाहे आप उसको वस्तु मानो या मनुष्य का व्यवहार मानो, वो क्या है, सामाजिक है। इसलिए ये स्वीकार करना कठिन हो जाता है कि कोई भी चीज सामाजिक होते हुए भी सामाजिक अंतःक्रियाओं या मनुष्य पर निर्भर ना करे। ये कहते हैं जो दुर्खीम ने इसमें सिद्धांत दिया है कि मनुष्य इसमें कुछ नहीं कर सकता है। मनुष्य जो है वो क्या है, समाज के अधीन है। समाज जिस तरह से रूल्स या जो भी चीजें ट्रेडिशंस चल रहे हैं समाज के अनुसार या समाज के बनाए गए चीजों के अनुसार मनुष्य उस पर एक्ट करने के लिए बाध्य होता है। तो यही कह रहे हैं टार्डे कि सामाजिक तत्व जो है वो सामाजिक है। तो वो कोई भी चीज अगर सामाजिक है तो वो समाज के लोगों के अंतःक्रियाओं या मनुष्य पर निर्भर ना करे, ऐसा तो नहीं हो सकता है। इन्होंने कहा कि कोई भी चीज अगर मनुष्य से रिलेटेड है कि ये चीज करना है या नहीं करना है, तो मनुष्य का कुछ इंटेलिजेंस है, वो कोई पशु तो है नहीं कि जिसको जिस तरफ आपने हाँक दिया वो उसी तरफ चलता रहेगा। मनुष्य की अपनी कुछ इंटेलिजेंस है, अपने कुछ तर्क है, अपनी कुछ शक्तियां, वो उसका यूज करेगा। तो इस तरह से हमने देखा अलग अलग तरीके से विद्वानों ने इनकी आलोचना किया हुआ है उनकी बाध्यता वर्ड को लेकर के, कि बाह्य चीजों से इतना ज्यादा कोई बाध्य नहीं होता है कि वो उसका अपने माइंड पर किसी चीज को इम्पैक्ट ना होने दे या अपने माइंड पर कोई चीजें सोच ना सके, वो केवल बाह्य चीजों से ही इन्फ्लुएंस होता रहे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इस तरह से अलग अलग विद्वानों ने उनकी आलोचना किया है। लेकिन इससे बिल्कुल भी ये चीजें नहीं कही जा सकती है कि दुर्खीम का जो ये सिद्धांत है ये बिल्कुल निरर्थक है, ये किसी काम का नहीं है। नहीं, दुर्खीम के सिद्धांत के आधार पर हमने समाज को वैज्ञानिक तरीके से जो है जानने की कोशिश किया है, वैज्ञानिक तरीके से हम समझ सके। इनके इस सिद्धांत के आधार पर सम विभाजन का सिद्धांत हो, दोषपूर्ण नीतियों का सिद्धांत हो, इनका आत्महत्या का सिद्धांत हो, इनका लाइफ से रिलेटेड सिद्धांत हो, अलग अलग पुस्तक में उन्होंने लिखा हुआ है। तो ये सारी चीजें हमें इनके इसी तत्व सामाजिक तत्व की जो अवधारणा है इसी के आधार पर जानने को मिलती है। इसी के आधार पर हम अलग अलग चीजें समझ सकते हैं, अलग अलग चीजें जान सकते हैं। तो इसके लिए इनका जो सिद्धांत है ये काफी महत्वपूर्ण है। बेसिकली कोई भी चीज, कोई भी सिद्धांत आज तक आपने ऐसा नहीं देखा होगा जिसकी किसी ने आलोचना नहीं की हो। तो इसकी बाध्यता को लेकर के आलोचना है, उसमें थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सकता है। एंड उसको अगर आप बेहतरीन तरीके से समझना चाहते हो तो कोई भी चीज बहुत ज्यादा फाउंडेशन नहीं क्रिएट कर सकती आपके ऊपर, उसमें आपकी इंटेलेक्चुअल, आपकी इंटेलिजेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभा आएगी। ये व्यक्ति तो व्यक्ति वेरी करता है। ओके, तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आया होगा, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा सामाजिक तथ्य क्या है। तो आगे हम दुर्खीम के अलग अलग जो भी सिद्धांत है दुर्खीम ने दिया हुआ है, चाहे वो आपका श्रम का सिद्धांत हो, चाहे वो धर्म का सिद्धांत हो, चाहे वो दुर्खीम के आत्महत्या का सिद्धांत हो, वो सारी चीजें हम एक एक वीडियो में डिस्कस करते हुए मिलेंगे आपको। ओके, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो एक बार लाइक करो चैनल को, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जाकर के सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर करो ताकि आपके दोस्त फ्रेंड सर्किल, बहुत कम लोग हैं जो आपको इस तरह से पढ़ा रहे हैं या एमए के बारे में इस तरह से चीज़ें आपको एक एक टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है, तो बहुत कम लोग हैं, बहुत सारे लोगों के रिस्पॉन्स आ रहे हैं, काफ़ी खुशी मिल रही है। तो इससे आप लोगों तक शेयर करो ताकि और भी लोगों तक ये चीज़ें पहुँच सकें। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।